क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो? अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ। ये क्या बाबूजी, फिर प्याज और रोटी, सब्जी दाल खाना तो कई दिनों से भूल ही गए हैं आप। कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए, मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है। मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूं, ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूं। मगर अफसोस ये है कि आत्माराम की ये बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गईं, औलाद का आशियाना उजड़ गया। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवायफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। जहां तक मेरे कंजूस होने का संबंध है, मैं इस लफ्ज से बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ जिसके कई बच्चे हों और आप जाकर उस माँ से उसका एक बच्चा मांगे, वो माँ अपना बच्चा आपको देगी? कभी नहीं देगी। इसी तरह मैं भी अपनी मेहनत से कमाए हुए अपने एक एक पैसे को अपनी औलाद समझता हूँ। अगर वो माँ अपना बच्चा नहीं देगी तो मैं भी अपना बच्चा आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर वो माँ कंजूस है तो मैं भी कंजूस हूँ और मुझे अपने कंजूस होने पर फख्र है। जिंदगी नहीं, इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के पास दौलत का ढेर लगा हुआ, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर अपनी उंगलियों की औसत। तो ड्यूटी वाले बाबू, सर एक बात तो बताना, क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो, पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं?